भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आज राम नाम की गूंज हो चुकी है। सुबह जैसे ही भूमि पूजन हुआ पूरे भारत में खुशियां छाई है। दिवाली के पहले दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें विरार भी हमारा अछूता नहीं है। विरार के राम भक्त जगह जगह मिठाई बांटकर और पटाखे जलाकर खुशियां मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस को खुशी को अपने शब्दों में कैसे तब्दील करेंगे आप। आज पूरा देश और पूरा जनमानस राममय हो गया है, आज शब्द नहीं सूझ रहे, इतनी खुशी की बात है। 500 साल के इस इतिहास में आज राम भक्तों को उनका न्याय मिला है, उनके राम जी उनको मिले हैं, इससे बड़ी बात आज इस दिन में नहीं है, इस दिल में नहीं है। जय श्री राम। आज राम श्री राम मंदिर का जो भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भूमि पूजन हुआ है, आज सबसे पहले मैं उन जो कार सेवक को जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। और उनका जो बलिदान सचमुच में व्यर्थ नहीं गया और भव्य दिव्य राम मंदिर का आज निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और मोदी जी का धन्यवाद। भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जितने भी राम भक्त हैं आज सभी राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है और पूरा हुआ है। और आने वाले कुछ ही सालों में, 2-3 सालों के या 4 सालों में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा हमारे पंत प्रधान जी और मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने वहाँ पर आज कहा है। और आने वाले दिनों में हमारे जितनी भी जनरेशन है वो राम भक्त जी का दर्शन कर पाएंगे वो भव्य और दिव्य मंदिर में। आज़ाद हिंदुस्तान होके आज 72 ईयर्स हो गए, हज़ार साल मुगलों ने राज किया, 150-200 साल ब्रिटिशों ने राज किया। जो राम मंदिर जो पहले गिराया हुआ था आज उसको सच में न्याय मिला है। और वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और आदरणीय आडवाणी जी, उनका सपना आज नरेंद्र मोदी ने इतने सालों के बाद साकार किया और आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। उसी निमित्त से मैं आज पूरे तमाम भारतवासियों से, पहले बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी और इन सबका जो सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सारे तमाम भारतीयवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बस एक ही वाक्य में कहूँगा, आज से भारत हिंदू राष्ट्र बहुल राष्ट्र हो चुका है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भूमि पूजन हो चुका है तो भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा, पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सैकड़ों कार सेवकों ने अपना बलिदान भी दिया है तो उनका भी उल्लेख जरूर करना चाहिए, आज उनको भी याद करना चाहिए। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।